7th class. This is our chapter number 10 and the first video. This is our first video of this lesson. Lesson name is Political Formation in the 18th Century. ठीक है? आज हम इसमें political formation के बारे में पढ़ेंगे कि 18th Century में political formation किस तरीके से हुआ. During the 18th Century, India saw many changes in the political, social, economic front. तो 18th Century के दौरान हम कह सकते हैं इंडिया ने काफी कुछ देखा, जिसमें उन्होंने ये देखा political, social और economic जो condition रही हमारी इनमें change आ रहा था. The writing of foreign ट्रेवलर्स एंड आर्चिवल रिकॉर्ड्स इन द फॉर्म ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट्स, कॉइन्स, कॉपर प्लेट्स, फोटोग्राफ्स एटसेट्रा सर्व इन वैल्यूएबल सोर्सेज ऑफ कंस्ट्रक्टिंग हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड. तो हम कह सकते हैं कि ये जितने भी सोर्सेज रहे लाइक मैन्यूस्क्रिप्ट्स, कॉइन्स, कॉपर प्लेट्स, ये एक इनवैल्यूएबल सोर्सेज रहे इस टाइम की हिस्ट्री पीरियड के लिए, जिन्होंने इस हिस्ट्री पीरियड में काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं फेमस रहे, या हमें इस चीज़ जो इस टाइम का हमें हिस्ट्री पीरियड के बारे में पता चलता है तो उसके सोर्सेज ये रहे. एंड ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी, सेकेंड हाफ सेंचुरी के दौरान, 17th सेंचुरी के दौरान द मुगल एम्पायर फेस्ड मैनी प्रॉब्लम्स विच लेड टू इट्स डाउनफॉल. तो मुगल एम्पायर ने क्या करना शुरू कर दिया था, प्रॉब्लम को फेस करना शुरू कर दिया था, क्योंकि जो मुगल एम्पायर था अब वो धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा था, उसमें वीकनेसेस होने लगी थी, कमजोर पड़ने लगा था. लेटर मुगल्स औरंगजेब सॉरी ड्यूरिंग ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ 18th सेंचुरी द बाउंड्रीज ऑफ द मुगल एम्पायर वर रीशेप्ड. तो 18th सेंचुरी की हाफ हम कह सकते हैं हाफ टाइम जब हाफ 18th सेंचुरी हो गई थी तो उस समय मुगल एम्पायर की जो बाउंड्रीज को उनके रीशेप किया गया ड्यू टू द इमर्जेंस ऑफ अ नंबर ऑफ इंडिपेंडेंस किंगडम्स. जस्ट बिकॉज क्योंकि जो इंडिपेंडेंट किंगडम्स थे उनके इमर्जेंस के कारण इनको मुगल एम्पायर की जो बाउंड्रीज थी उन्हें रीशेप कर दिया गया. लेटर मुगल्स औरंगजेब डेड इन 17-7, औरंगजेब मर गया था 17-7 में, एंड द किंग्स हु रूल्ड आफ्टर हिम केम टू बी नोन एज द लेटर मुगल्स. और औरंगजेब के बाद जितने भी किंग ने वहाँ रूल किया वो लेटर मुगल्स में इंक्लूड होते हैं. ठीक है, बहादुर शाह फर्स्ट, इनका शासन जो पीरियड रहा, जो हम कह सकते हैं इनका जो रूलिंग टाइम रहा वो 17-7 से 17-12 तक रहा. बहादुर शाह फर्स्ट रूल्ड फॉर अ फ्यू ईयर्स, उन्होंने कुछ सालों तक शासन किया. ही ट्राइड टू विन ओवर द राजपूत, उन्होंने कोशिश की कि वो राजपूत को विन कर सके बाय रिकॉग्नाइजिंग अजीत सिंह एज द रूलर ऑफ जोधपुर. इसीलिए उन्होंने अजीत सिंह को जोधपुर का जो था रूलर बनाया. ही ऑल्सो ट्राइड टू अपीज द मराठास बाय रिलीजिंग शाहू द ग्रैंडसन ऑफ शिवाजी. उन्होंने मराठास के साथ भी फ्रेंडशिप करनी चाहिए या बॉन्ड करना, अपनी हम कह सकते हैं कि एक तरीके का सपोर्ट लेना चाहा. इसके लिए उन्होंने जो उनके ग्रैंडसन शिवाजी के बेटे को शाहू को जो उन्होंने गिरफ्तार किया हुआ था, कैदी बनाए रखा था, उसको उन्होंने रिलीज कर दिया था. द ग्रैंड सन ऑफ शिवाजी एंड ऑफरिंग हिम अ हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट. और उन्होंने क्या किया, इनको रिलीज तो किया ही, उसके बाद इन्होंने जो शिवाजी के जो ग्रैंडसन थे इनको यानी कि शाहू को इन्होंने हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट भी इनको ऑफर की. ही ऑल्सो साउट द फ्रेंडशिप ऑफ द सिख, इन्होंने सिख के साथ भी फ्रेंडशिप की. तो बुद्ध शाही जो थे वो राजपूत को क्या करना चाहते थे, विन करना चाहते थे, तो इसीलिए उन्होंने काफ़ी लोगों के साथ फ्रेंडशिप बनानी चाही. सबसे पहले उन्होंने अजीत सिंह को रूलर बनाया जोधपुर का, उसके बाद उन्होंने जो मराठास थे और मराठास में जो शिवाजी थे, शिवाजी के ग्रैंडसन जो थे साहू, उनको क्योंकि वो कैद में थे इसीलिए उनको कैद से रिहा कर दिया, या हम कह सकते हैं उनको रिलीज किया. उसके बाद उन्होंने उन्हें एक हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट जो थी ऑफर की, और उसके बाद उन्होंने सिख के साथ भी संधि करनी चाहिए, उनके साथ भी अच्छी जो रिलेशन बनाने चाहिए. अब जहांदर शाह 1712 से 1713 तक इनका जो हम कह सकते हैं रूलिंग टाइम रहा आफ्टर डेथ ऑफ बहादुर शाह फर्स्ट.
वॉर ऑफ सक्सेशन ब्रोक आउट। क्या जब बहादुर शाह की डेथ हो गई उसके बाद उनके शासन के लिए वहां का किंग बनने के लिए लड़ाइयां होने लगी, जिसमें जहांदर शाह जो था वो जीत गया था, इमर्ज विक्टोरियस एंड रूल्ड फॉर अ फ्यू मंथ्स, और उन्होंने फ्यू मंथ्स तक वहां पे रूल किया। ही वॉज अ पपिट इन द हैंड्स ऑफ जुल्फिकर खान द मोस्ट पावरफुल नोबल ऑफ द टाइम। अब तो जो जहांदर शाह था ये जीत तो गया था, किंग भी बन गया, लेकिन एक पपिट की तरह काम कर रहा था। क्यों? क्योंकि जो भी शासन था या जो भी डिसीजन लेने होते थे वो जुल्फिकार खान ही लेता था, जो कि एक मोस्ट पावरफुल नोबल था उस टाइम पीरियड का। जहांदर शाह वॉज ओवर थ्रोन बाय हिज नेफ्यू फरुखिशियार। तो जहांदर शाह को उसके नेफ्यू के द्वारा ही उखाड़ फेंका गया, हम कह सकते हैं डिफीट कर दिया गया था। उसी के नेफ्यू ने, जो कि फारुखिशियार था, उसने ही इसको डिफीट किया। फारुखिशियार का जो शासन था वो 1713 से 1719 तक रहा। फारुखिशियार वॉज अ रूलर ओनली इन नेम, ये हम कह सकते हैं एक नाम का रूलर रहा, काम इसने रूलर वाले नहीं किए थे, जस्ट एक नाम से ही उसको बोल सकते हैं नाम का रूलर बना। द एम्पायर वॉज कंट्रोल्ड बाय द सैयद ब्रदर्स, क्योंकि एम्पायर को जो भी हम कह सकते हैं जो एम्पायर होता था उसको कंट्रोल किया जाता था सैयद ब्रदर्स के द्वारा। अब्दुल्ला खान ब्राहा एंड हुसैन अली खान ब्राहा, ये दो हम कह सकते हैं ये जो थे दे वर नोन एज द किंग मेकर्स, ये किंग मेकर के नाम से जाने जाते थे। क्यों? क्योंकि ये लोग राजा बनाते थे और बाद में उन लोगों को मार देते थे, उसके बाद वहां पे कोई और राजा बनता था, यानी कि जिसको भी ये राजा बनाते थे वो उनके हाथों की कठपुतली होता था, डिसीजन ये लोग लेते थे, राजा किसी और का बना दिया जाता था बस। In 1719 they removed Farukhishyar from the throne, इन्होंने सेम यही किया 17, पहले तो इन्होंने क्या किया फारुखिशियार को राजा बनाया, किंग बनाया, बाद में 1719 में इन्होंने फारुखिशियार को क्या किया उसको भी हटा दिया, राजा उस थ्रोन से हटाया। एंड विद इन अ गैप ऑफ अ फ्यू मंथ्स दे प्लेस्ड एंड रिमूव टू मोर रूलर्स, और उसी के बाद इन्होंने कुछ महीनों के अंदर ही हम कह सकते हैं दो रूलर और बनाए और उनको भी हटा दिया, वन रिमूव कर दिया। एंड फाइनली दे डिक्लेयर्ड मोहम्मद शाह एज द एम्परर, और फाइनली उन्होंने मोहम्मद शाह को एम्परर घोषित किया या कह सकते हैं बनाया। मोहम्मद शाह का जो टाइम पीरियड रहा रूल करने का वो 720 से 748 तक रहा। ही इज नोन एज रंगीला और कलरफुल किंग ड्यू टू हिज इंडुलजेंसेस, या हम कह सकते हैं कि जो ये थे मोहम्मद शाह ये भी एक तरीके से नाम के ही राजा बने, इनके काम बिल्कुल रंगीलों वाले थे, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा ये लोग अदर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते थे, लाइक नाच गाना या फिर ज़्यादा शोहरत जो बात अपनी शोहरत को दिखाना या प्ले वगैरह देखना, मतलब राजाओं के काम करने को छोड़कर जो जितनी भी इनकी इंजॉय वाली एक्टिविटी होती थी या जितने भी फन एक्टिविटीज़ होते थे उनमें ज़्यादा इंक्लूड रहते थे ये। ही जस्ट रिमेंड a silent spectator to the actual breakup of मुगल एम्पायर। एक्चुअली जो जब मुगल एम्पायर धीरे धीरे खत्म होने लगा था उसकी जो वैल्यू थी वो कम होने लगी थी, उस समय ये जस्ट साइलेंटली बैठकर देख रहे थे, ये सिर्फ अपनी ही दुनिया में मग्न थे, उसके इनको कोई लेना देना नहीं था कि मुगल एम्पायर जो है एक्सटेंड नहीं हो रहा है, उसका डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, वो वीक होता जा रहा है, इससे इन्हें कोई लेना देना नहीं था, सिर्फ अपनी ही एक्टिविटीज में ये इन्वॉल्व रहते थे हमेशा। और तो ये एक जस्ट साइलेंट स्पेक्टेटर की तरह, यानी कि सिर्फ हम कह सकते हैं साइलेंट दर्शक की तरह बैठे देखते रहे। हाउ एवर ही टुक द हेल्प ऑफ अ ग्रुप ऑफ नोबल्स अंडर द लीडरशिप ऑफ चिन पिलिज खान एंड गोट वन ऑफ द सैयद ब्रदर्स हसन असासिनेटेड एंड हुसैन इम्प्रिजन्ड इन 1720। निजाम उल क्या हुआ था कि जो इन्होंने हेल्प ली थी नोबल्स की अंडर द लीडरशिप ऑफ चिन क्विलिज, ठीक है, चिन क्विलिज के अंडर खान के इनके अंदर इन्होंने नोबल्स की हेल्प ली, ग्रुप ऑफ नोबल्स हम कह सकते हैं या कह सकते हैं जो जो कि इन्होंने क्या किया था, इन्होंने रईसों की यानी कि जो रिच फैमिली से बिलोंग होते थे या सोसाइटी में जो ज़्यादा पावरफुल होते थे, इन्होंने ऐसे ग्रुप की एक ग्रुप की हेल्प ली, किसके अंडरगत, जब चिन क्विलिज खान की लीडरशिप के अंडर इन्होंने हेल्प ली थी। एंड गोट वन ऑफ द सैयद ब्रदर्स हसन असिनिएटेड एंड हुसैन इम्प्रिजन इन 1720। निज़ाम उल मलिक
चीन क्विलिज खान, जो चीन क्विलिज खान थे इनका दूसरा नाम था निजाम उल मालिक, वॉज द विजरी ऑफ डिकेन एंड मोस्ट पावरफुल ऑफ द नोबल्स। ये जो थे हम कह सकते हैं डिकेन के जो थे शासक रहे या विजरी रहे एंड बहुत ही पावरफुल नोबल रहे। ही वॉज मेड द वाजिर इन 1722। इन्हें वाजिर बनाया गया था 1722 में। ही मेड सम सीरियस एफर्ट्स टू इम्प्रूव द अफेयर्स ऑफ द स्टेट। इन्होंने काफ़ी मतलब हम कह सकते हैं इन्होंने कुछ एफर्ट्स लगाए या वर्क किया ताकि स्टेट के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व किया जा सके। विद द फन लविंग एम्परर एज हीज हैड ही फेल्ट हेल्पलेस एंड लेफ्ट द मुगल कट। तो काफ़ी ज़्यादा इन्होंने खुद को हेल्पलेस फील किया, इन्होंने मुगल कट को छोड़ दिया। ही रूल्ड एज एन इंडिपेंडेंट रूलर इन हैदराबाद। तो उन्होंने हैदराबाद के अंदर एक इंडिपेंडेंट रूलर के रूप में काम किया एंड मेंटेन गुड रिलेशंस विद द मुगल्स, और मुगल्स के साथ गुड रिलेशंस बनाए। नाउ एज द टाइम ऑफ द डेथ ऑफ मोहम्मद शाह इन 1748, मुगल एम्पायर एग्जिस्टेड इन नेम ओनली। इट वॉज कन्फाइंड टू अ स्मॉल स्ट्रिप ऑफ लैंड अराउंड दिल्ली। तो जब क्या हुआ 1748 में मुगल एम्पायर जो था एग्जिस्टेड जो था वो केवल हम कह सकते हैं नाम का ही मुगल एम्पायर रह गया था। अब उसकी पावर वैसी नहीं रही थी, वो वीक होने लगा था या एक्सटेंड नहीं हो पा रहा था, डेवलप नहीं हो पा रहा था। तो ये धीरे धीरे क्या होगा, मुगल एम्पायर जो था वो एक्सटेंड होना शुरू हो गया। इट वॉज confined to a small strip of land around Delhi. Just Delhi के around ही वो हम कह सकते हैं अब उसकी powers थोड़ी सी रह गई थी। Now period from 1748-1858. अच्छा यहाँ मोहम्मद शाह, ठीक है, period from 1748 to 1858. After मोहम्मद शाह the Mughal Empire existed only in name. मोहम्मद शाह के बाद जो मुगल एम्पायर था वो सिर्फ नाम का रह गया था। The regional kingdoms became very powerful during this period. जो regional किंगडम्स थे वो बहुत ज़्यादा पावरफुल बन गए थे इस पीरियड के दौरान। द ब्रिटिश हैड ऑल्सो स्टार्टेड एनेक्सिएसिंग इंडियन टेरिटरीज। जो ब्रिटिश थे उन्होंने भी, क्योंकि अब यहाँ पे कोई पावरफुल जो शासक हम कह सकते हैं रूलर था वो बचा नहीं था, तो जो फॉरनर जो हम कह सकते हैं फॉरनर से जो भी लोग आ रहे थे वो लोग चाहते थे कि यहाँ पर ये कॉन्कर करके इंडिया की जो टेरिटरीज थी उन पे खुद शाह रूल करे। तो ब्रिटिश उन्हीं में से एक थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने इंडिया की टेरिटरीज को रूल करना शुरू किया। इन लेस देन अ सेंचुरी दे बिकेम द रियल मास्टर ऑफ इंडिया। और काफ़ी सेंचुरी से काफ़ी समय पहले ही हम कह सकते हैं बहुत कम समय में ही ये इंडिया के मास्टर बन गए। इन्होंने मतलब हमारे ऊपर रूल करना शुरू कर दिया। द लास्ट मुगल एम्परर वाज बहादुर शाह जफर। तो हम कह सकते हैं अगर लास्ट मुगल एम्परर कोई रहा तो वो था बहादुर शाह जफर। इन 1858 द ब्रिटिश रिमूव्ड हिम फ्रॉम द थ्रोन एंड ब्रॉट एन एंड टू द मुगल एम्पायर। और 1858 में इन ब्रिटिश लोगों ने इन्हें भी हटा दिया। उसके बाद जो था मुगल एम्पायर एक तरीके से हम कह सकते हैं खत्म हो गया था, क्योंकि उसके बाद ब्रिटिश लोगों ने ही रूल किया था। अब फॉरेन इन्वेंशंस का जो टॉपिक है हम अपनी नेक्स्ट वीडियो से कंटिन्यू करेंगे। आपकी फर्स्ट वीडियो में आपको इतना ही, एंड इसको एक बार अच्छे से रीड कर लेना ताकि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। ये फॉरेन इन्वेशन से हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।